राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जब किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट लगता है तो उसकी संपत्ति क्या कुरुक किया जाना अनिवार्य है? क्या उसकी संपत्ति यदि कुरुक की जाती है तो कितने दिन के भीतर कुरुक की जाएगी, यानी गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद कितने दिन के भीतर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति पर लगा है और नहीं कुरुक हो रहा है, कुरुक होना चाहिए, तो क्या करें उसके लिए, या गलत तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति कुरुक हो गई है तो उसे कैसे बचा जाए? क्योंकि गैंगस्टर एक्ट पुलिस अधिकारी को लगाने की पावर दी गई है। पुलिस अधिकारी अमूमन अधिकतर मामलों में गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट लगा देते हैं, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं हर विभाग में, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या अन्यथा हो, लेकिन अक्सर लोग पैसे के चक्कर में, राजनीतिक दबाव से, व्यक्तिगत हित के वजह से फर्जी गैंगस्टर एक्ट लगा देते हैं जहां नहीं लगना चाहिए। कभी भी लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, मामले के तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो लगाने का पर्पज है अगर ना लगाया जाए। कभी कभी क्या होता है, गैंगस्टर एक्ट लगने का आधार तो बन रहा है, लेकिन यदि ये भी देखा जाना चाहिए कि अगर नहीं लगाया जाए तो क्या ना लगाने से जो इसका पर्पज है लगाने का, क्या वो पर्पज फेल हो जाएगा ना लगाए जाने पे? लेकिन मनमानेपन तरीके से भी लगाया जाता है, और बहुत ऐसे लोगों पे जिन पे लगना चाहिए नहीं भी लगता है। खैर, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, यहाँ नंबर भी दे रखा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति पे फर्जी तरह से गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है या उसकी संपत्ति को गलत तरीके से अटैच कराया जा रहा है तो उसे कैसे बचा जाए, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट लगने पे संपत्ति कितने दिन के भीतर कुरुक होती है, तो यहाँ पहले ये देखिए संपत्ति में संपत्ति कौन सी शामिल है। तो चाहे चल संपत्ति हो, चल संपत्ति का मतलब है कि घर में रखी हुई फसलें, गेहूँ धान अनाज हो गया, गाड़ी मोटर जानवर, ये सब क्या है, चल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। जानवर जीव धन संपत्ति है, लेकिन वो भी चल संपत्ति में ही काउंट हो जाएगा। अचल संपत्ति में जमीन, मकान, ठीक है, ये सब अचल संपत्ति में आते हैं, मकान तो मकान है ही। तो चाहे चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो या मकान हो, अगर जिला मजिस्ट्रेट का ये विश्वास हो गया, किसको पावर है जिला मजिस्ट्रेट को, कि गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद जिला मजिस्ट्रेट का ये विश्वास हो गया कि जिस आधार पे गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है उसी अवैध क्रियाकलाप में लिप्त होने के कारण जो आपने धन अर्जित किया है उसी धन से ये चल संपत्ति, अचल संपत्ति या मकान को आपने बनाया है, तो आपकी प्रॉपर्टी को बिना आपको नोटिस दिए आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, सील किया जा सकता है। तो इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है, गैंगस्टर एक्ट लगने के कितने दिन के भीतर आपकी प्रॉपर्टी कुरुक की जाएगी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब भी जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाएगा वो तुरंत संपत्ति को कुरुक कर लेंगे। अक्सर व्यवहार में होता क्या है कि जब गैंगस्टर एक्ट लगता है तो पुलिस अधिकारी तुरंत डीएम को संस्तुति भेज देते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कराने का भी आदेश दिया जाए। दंड, प्रॉपर्टी तो अटैच हो ही गई, साथ ही साथ आपको सजा भी दी जाएगी, जिसमें अगर गैंगस्टर एक्ट लग गया है तो कम से कम 2 साल मिनिमम सजा है, 2 साल तो आपको जेल काटना ही काटना पड़ेगा। ठीक, इसके अधिकारी क्या होंगे, तो अधिकारी मिलता है गैंगस्टर एक्ट लगाने की पावर, थाने के बाहर सदर अधिकारी को भी मिला हुआ है, संपत्ति को कुरुक करने का पावर जो है जिला अधिकारी को है, ठीक है, इसमें अपील करने की पावर हमको ऊपर के अथॉरिटी को भी दिया गया है, इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में हमारा मामला चलेगा, तो अलग से गैंगस्टर एक्ट के लिए अलग से गैंगस्टर कोर्ट बना हुआ है जो जिला न्यायालय सत्र न्यायालय के समकक्ष होता है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये आरोप किसी पे फर्जी तरीके से लग गया या जिस पे नहीं लगना चाहिए था लगवा दिया गया तो कैसे उससे बचा जाए, मैं पहले ही आपको नंबर दिया हूँ कि आप दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, क्योंकि हर मामले के तथ्य एवं परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सब कुछ बोर्ड पे बताया जाना संभव नहीं हो पाता है, तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इसकी जो कोई निर्धारित फीस आपसे कही जाएगी वो भी आपको देना होगा।